Hey guys, welcome back to my channel. First of all, जिन्होंने पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं, फटाक से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको पुराने एपिसोड्स के सारे लिंक मिल जाएंगे। जैसे ही नैन्सी सोके उठती है तो वो अपने आप को ब्लैंकेट में रोल्ड अप पाती है, साथ ही उसे हुडी का छोड़ा हुआ वो लेटर भी मिल गया था, जिससे कि वो समझ आती है कि ये सब किसी और ने नहीं बल्कि उस ड्रामे बाज वुडी ने ही किया है। रेडियो को जब वो वुडी के फ्लैट में जाती है तो देखती है कि वही हमारा हीरो तो चैंग की बहुत ही अच्छे से मेहमान नवाजी कर रहा होता है, जिसे देखकर नैन्सी थोड़ा खुश हो जाती है कि फाइनली उन दोनों के बीच की गर्मा गर्मी अब ठंडी हो गई है। और ये जानने के बाद कि नैन्सी और वुडी तो रिलेशनशिप में हैं, चैंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि उसके जूनियर भी अब रिलेशनशिप में हो गए हैं और वो अभी तक सिंगल है। और ऑफिस में चैंग फिर सबको बताता है कि आज सभी विनर के नॉवेल्स पब्लिक होने वाले हैं। लेकिन चैंग बहुत ज्यादा परेशान तो तब होता है जब उसे जोई के सारे काम करने पड़ जाते हैं, जिसके बाद ही उसे ये समझ में आता है कि जोई उसके ऑफिस के लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। जिसके बाद वो फटाक से जोई के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम हमारे ऑफिस के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, जिस तरह से तुमने इतने टफ टफ काम इतनी आसानी से किए हैं ऐसे तो कोई भी नहीं कर सकता। साथ ही फिर चैंग उसे ये भी बताने लग जाता है कि फाइनली वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बनना चाहता है और अपने डैड के सामने अपने पैरों पे खड़ा होकर दिखाएगा। ये सुनने के बाद तो जोई भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि फाइनली जो वो चाहती थी और अब वो हो रहा था और चैंग एक जिम्मेदार इंसान बन रहा था। जिसके बाद दोनों साथ में स्केटिंग करते हैं, लेकिन जोई को तो स्केटिंग करना आता ही नहीं था और इसलिए वो बार बार स्लिप हो रही थी, जहाँ पर चैंग उसे संभालता है क्योंकि वो तो स्केटिंग मास्टर था। वहीं दूसरी तरफ नैन्सी अपने डैड और अपनी दोस्त की कब्र पे मॉम और वुडी के साथ में जाती है, जहां वो सबको वुडी से मिलवाते हुए बोलती है कि यही मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनने के बाद तो मॉम बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, साथ ही वो बहुत ज्यादा खुश भी होती है। लेकिन जैसे ही वो वुडी से ये पूछती है कि तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या है, तो वो कहता है कि मैंने तो अभी तक कुछ डिसाइड ही नहीं किया है, क्योंकि वो एक मॉम है और वो चाहती है कि उनका सन इन लॉ के पास जॉब हो, जिससे कि वो उनकी बेटी को बहुत ही ज्यादा खुश रख सके। लेकिन वुडी के पास कोई जॉब नहीं थी और ना ही उसके कोई प्लान्स थे, इसलिए मॉम उससे फिर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। घर आने के बाद भी उनका मुंह बहुत ज्यादा लटका हुआ होता है, जहां नैन्सी के पूछने पर भी वो ये सारी बातें उसे समझाने लग जाती है। लेकिन नैन्सी मॉम को ये बोलकर वुडी से कुछ भी कहने के लिए मना कर देती है कि मॉम बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मैं आपके साथ में शेयर अभी नहीं कर सकती हूँ। ये सब कुछ सुनने के बाद मॉम को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और बोलती है कि ना तो उसके कोई प्लान्स हैं और ना ही तुम्हारे कोई प्लान्स हैं, वैसे भी तुम मुझे अब क्यों ही बताओगी, मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल मदर थोड़ी हूँ। और ये बोलकर वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वुडी भी अपने सोते हुए सपने में जैंग को देख रहा था, जो कि नैन्सी का बहुत ही ज्यादा लाइक करता था, लेकिन जब जब नैन्सी उसके पास आती थी तो वो सोचता था कि कहीं नैन्सी को सच्चाई न पता चल जाए, और इसलिए वो हमेशा उसे अपने पास से भगा दिया करता था। और अचानक से वुडी की नींद खुल जाती है और वो सोचता है कि शायद जैंग चाहता है कि ये बात जाकर मैं नैन्सी को बता दूं। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने लग जाता है अपने रूम से, तो चैंग को देखकर बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है, क्योंकि उसके हाथ में नाइफ था और वो अपनी नॉवल की एक प्लॉट को रिव्यू कर रहा था। जिसके बाद वुडी चैंग से पूछने लग जाता है कि सोचो अगर जोई का बचपन में अगर कोई क्रश हो और ये बात तुम भी जानते हो कि उस लड़की को भी जोई पे क्रश है, तो क्या तुम उसे सच्चाई बता दोगे, ये जानने के बाद कि उसके बाद तुम पूरी तरह से इस दुनिया से डिसअपीयर हो जाओगे। जैंग हाँ में जवाब देते हुए बोलता है कि हाँ मैं उसे ये बात बता दूंगा, क्योंकि अगर मैंने नहीं बताया और उसे बाद में ये बात किसी और से पता चल गई तो वो तो वैसे भी मुझे मार मार के डिसअपीयर कर ही देगी। वुडी तो यहाँ पर बहुत ज्यादा सीरियस था, लेकिन जैंग को अभी भी मजाक सूझ रहा था और इसलिए वुडी उस पर गुस्सा करके वहाँ से निकल जाता है। और फिर वो सोचने लग जाता है कि शायद यही वो मिशन होगा जो कि फेरी गॉड मुझसे करवाना चाहते हैं। मॉर्निंग के टाइम पे मॉम नैन्सी और वुडी दोनों से ही पसंद नाराज थी, यहाँ तक कि वो तो उनसे सही से भी बात नहीं कर रही होती, और फिर वो अपने ऑफिस के लिए चली जाती हैं। ये सब कुछ देखकर वुडी नैन्सी से बोलता है कि काश मैं भी नॉर्मल लोगों की तरह ही यहाँ पर इस दुनिया में पैदा हुआ होता तो सब कुछ एकदम नॉर्मल होता और बहुत ही ज्यादा अच्छा होता, साथ ही शायद मैं ही तुम्हारा पहला लव होता। वुडी की ये सारी क्यूट क्यूट बातें सुनकर नैन्सी बहुत ज्यादा हंसने लग जाती है। साथ ही मौके पे चौका मारते हुए वुडी भी नैन्सी को बोलता है कि भले ही मैं तुम्हारा फर्स्ट लव नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हारा फर्स्ट मैरिज लव बनना चाहता हूँ, यानी कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद तो नैन्सी काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है, और आज का दिन तो उसका बहुत ही ज्यादा अच्छा बीतने वाला था। और ऑफिस के टाइम पे बहुत ही ज्यादा क्यूट क्यूट से स्टिकर बनाने लग जाती है, जहाँ पर उसके साथ ही आते हैं उसके लिए शैंपेन और केक लेकर, साथ ही बोलते हैं कि तुम्हारा नॉवल जो कि पब्लिक हुआ था वो बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। जहाँ पर फिर चैंग भी आ जाता है और सब लोग साथ में मिलकर फिर वहाँ पर पार्टी करने लग जाते हैं।
चैंग को वैसे तो पार्टी शार्टी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आज नैन्सी की खुशी में वो भी बहुत ज्यादा खुश था। और जहाँ वो जोई को भी काफी ज्यादा मिस कर रहा होता है, जिसके बाद नैन्सी जोई को सारी पिक्चर्स भेजते हुए उसे थैंक यू बोलती है, क्योंकि अगर जोई ने उसे मोटिवेट नहीं किया होता और उसका साथ नहीं दिया होता तो आज उसकी नॉवल इतनी ज्यादा फेमस नहीं हुई होती। जोई भी ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है कि फाइनली सेलिब्रेशन में चैंग भी उन सब के साथ में था। वो फिर चैंग को मैसेज करके बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ कि फाइनली तुम्हारी नॉवल मार्केट में बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रही है और जैसा तुमने सोचा था वैसा ही हुआ है। वही फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब चैंग को फर्स्ट टाइम राइटिंग के लिए अवार्ड मिला था तो चैंग से ज्यादा जोई उसके लिए बहुत ही खुश थी, और साथ ही ये भी बोला कि अगर मैं ऑथर नहीं बन सकी तो क्या हुआ, तुम एक दिन बहुत ही बड़े ऑथर बनोगी और मैं तुम्हारे साथ जॉब करूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये सुनते ही चैंग भी बोला कि ठीक है, अब मैं अपनी खुद की कंपनी खड़ी करूंगा और फिर सब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जिसके बाद उसने जोई को एक किंग कॉन्ग टॉय निकाल कर दिया, जो कि आज भी जोई ने अपने पास संभाल कर रखा हुआ है। यानी कि वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग को कोई कन्फेस ही नहीं कर रहा है। वही वुडी भी नॉवल के ट्रेंड होने की वजह से बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसने तो बस नैन्सी को अपना प्यार जताने के लिए ही ये नॉवल लिखी थी, और वो तो जानता ही नहीं था कि उसकी लिखी हुई नॉवल इतनी ज्यादा फेमस हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में वो वुडी के साथ डिनर पर गई, जहाँ पर वुडी उसे बहुत ही अजीब अजीब तरीकों से विश कर रहा होता है, जिससे कि लोग उन पे बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं। और इसलिए नैन्सी उसे कहती है कि अगर तुम अभी शांत नहीं हुए तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। जिसके बाद हमारा हीरो भी चुप हो जाता है, और वॉशरूम जाते टाइम फिर से एक बार नैन्सी को फायर फोबिया हो जाता है, जिसमे उसके डैड और उसके फर्स्ट लव की जान चली गई थी। जिसके बाद वुडी फटाक से उसे वहां से ले जाता है, क्योंकि नैन्सी को इस हालत में देखकर वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। होश आने पर नैन्सी वुडी से पूछती है कि तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हो। वुडी कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस यही सोच रहा था कि तुम अभी तक अपने फर्स्ट लव को नहीं भूल पाई हो जैंग को, और लाइफ में भी मूव ऑन नहीं कर पा रही हो। नैन्सी भी समझ गई थी कि यहाँ हमारे हीरो को जेलसी हो रही है, और इसलिए वो उस पे हंसने लग जाती है। साथ ही वो कहती है कि जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, हम तो सिर्फ बचपन में बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त थे, साथ में ही स्कूल जाते थे और साथ में ही हम लोग पले बड़े हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे सैंग मुझसे दूरी बनाने लग गया, जब जब मैं उसके पास जाने की कोशिश करती थी वो मुझे डांट कर हमेशा भगा दिया करता था। साथ ही वो मुझसे अपनी बहुत सारी चीजें भी छुपाने लग गया था, और स्कूल में भी मुझसे दूर रहने के लिए बोलता था। जिसके बाद मैंने फाइनली सोचा कि अब मुझे उससे अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए तो शायद वो मुझसे दूर नहीं भागेगा। और जैसे ही मैं उसे अपनी फीलिंग्स बताने के लिए गई तो उसने मुझे फिर से डांट कर वहाँ से ये कहकर जाने को बोला कि तुम हमेशा मेरा पीछा क्यों करती रहती हो, जाओ और घर जाओ। लेकिन आंटी सबको जानती थी और इसलिए वो मुझे हमेशा सैंग के पास भेजने के बहाने ढूंढती रहती थी, और उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ था। जब मैं डैड के साथ लेबोरेटरी में थी तो वहाँ पर बहुत ही भयानक आग लग गई थी। सैंग हमें आंटी का बनाया हुआ खाना देने के लिए वहाँ पर पहुँचा हुआ था, और जैसे ही उसने देखा कि मैं वहाँ पर अंदर बेहोश हूँ तो उसने पहले मुझे बाहर निकाला, और जब उसने देखा कि मेरे फादर अभी भी वहाँ पर अंदर आग में फंसे हुए हैं तो वो जैसे ही उनको बचाने के लिए गया तो ब्लास्ट होने की वजह से मेरे फादर के साथ साथ वो भी बेमौत मारा गया। जिसके बाद से नैन्सी को फायर फोबिया हो गया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने ही उसके डैड और उसके फर्स्ट लव की मौत हो गई। नैन्सी बोलती है कि सैंग बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट लड़का था, जो कि हर काम एकदम परफेक्टली टाइम पर करता था, मेरी तरह नहीं, जिसे कि कुछ भी करना नहीं आता, जो कि अगर आज जिंदा होता तो शायद मेरे बॉस से भी बहुत ही अच्छा राइटर होता। लेकिन मुझे सिर्फ इसी बात का दुख है कि उसकी जान मेरी वजह से चली गई, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। जिसके बाद वुडी फाइनली नैन्सी को बता देता है कि जब से वो अपनी एंशियंट टेरा से आया है तो जैंग हर रात उसके सपने में आता है, और साथ ही वो सारे पल भी दिखाता है जिसमें वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। लेकिन नैन्सी को तो यही लग रहा था कि शायद वुडी उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान है और इसलिए ऐसे ही सब कुछ बोल रहा है, क्योंकि उसने तो जैंग को आज तक कभी देखा भी नहीं है। घर आने के बाद वो नैन्सी के पैनिक डिसऑर्डर के बारे में सोचने लग जाता है कि उसका ये फायर फोबिया सिर्फ और सिर्फ तभी ठीक हो सकता है जब ये घटना दोबारा घटे जो कि पहले घटी थी। लेकिन अब डैड और सैंग तो जिंदा ही नहीं है, जिसका साफ मतलब है कि अब शायद नैन्सी का फायर फोबिया कभी ठीक ही नहीं होगा। लेकिन तभी उसे फेरी गॉड की कही हुई वो बातें भी याद आ जाती हैं, जिसमें वो समझ आता है कि जो मिशन उन्होंने वुडी को दिया है वो यही है कि उसे अब नैन्सी के फायर फोबिया को, यानी कि जो भी उसका पैनिक अटैक है, उसे हील करना पड़ेगा और उसे पूरी तरह से ठीक करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ सोई भी चैंग की नॉवल को पढ़ रही होती है, साथ ही उसे फ्लैशबैक में ये याद आता है कि चैंग ने हमेशा ही उसे फ्रीडम दी है और उसे कभी भी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया है, जहाँ फाइनली शायद उसे समझ में आ जाता है कि जैंग भी उसे बहुत ज्यादा लाइक करता है।
सीन शिफ्ट होता है ओल्ड ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ नैन्सी चैंग से 2 दिन की छुट्टी मांग रही होती है और चैंग के ये बोलने पर कि तुम्हें अब अपनी जॉब से रिजाइन कर देना चाहिए, नैन्सी तो काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन चैंग ने तो उसे फुल टाइम ऑथर का कॉन्ट्रैक्ट ही पकड़ा दिया और बोला कि तुम तो बहुत ही अच्छी राइटर हो तो इसके लिए तो अब तुम्हें असिस्टेंट की जॉब करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जिससे कि नैन्सी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था क्योंकि जो वो चाहती थी फाइनली वो हो गया था और उसका सपना भी अब पूरा हो गया था। वहीं वुडी भी मॉम की डांस क्लास में पहुंच गया था जहां फाइनली वो उन्हें सारी सच्चाई बताने लग जाता है कि मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ बल्कि नैन्सी की नॉवल का एक विलन कैरेक्टर हूँ। जहां मॉम उसे कहती है कि मेरे बीमार होने के कुछ वर्ष हैं और तुम्हारे तो कोई फ्यूचर प्लान नहीं है तो इसलिए मैं नैन्सी की शादी आखिरकार तुमसे कैसे करवा सकती हूँ। साथ ही वो बोलती है कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जिसे तुम ये नॉवल वॉवल की कहानी सुना रहे हो। मॉम को यकीन नहीं हो रहा था तो इसलिए फाइनली बूढ़ी अपनी सुपर पावर का यूज करके हाई जंप मारने लग जाता है जो कि किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है और ये देखकर तो मॉम बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है जिससे कि उन्हें फाइनली बूढ़ी की बातों पर यकीन हो जाता है। फूडी बोलता है कि मैं यहाँ पर नैन्सी के पैनिक डिसऑर्डर को हील करने के मिशन पे ही आया हूँ। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जैंग और डैड की मौत की वजह से नैन्सी को पैनिक अटैक नहीं आते बल्कि इसके डर की वजह से आते हैं और अगर हमने वो डर उसके अंदर से हमेशा के लिए हटा दिया तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। जिसमें मॉम भी फिर फूडी की हेल्प के लिए रेडी हो जाती है। वही अपनी जॉब से रिजाइन करने के बाद नैन्सी सीधा जोई से जाकर मिलती है जो कि उसके फुल टाइम ऑथर होने की खुशी में उसे ट्रीट देती है जहाँ वो बहुत सारी बातें करते हैं। नैन्सी के पूछने पर जोई उसे बताती है कि उसकी लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो अपनी ड्रीम बॉय की ड्रीम को पूरा करना चाहती है। जिसे सुनकर नैन्सी भी समझ आती है कि वो चैंग की बात कर रही है और इसलिए वो उसे कहती है कि आपको चैंग के पास वापस चले जाना चाहिए। वहीं रात के टाइम पर जब चैंग और नैन्सी साथ में बैठकर काम कर रहे होते हैं तो वुडी उनके लिए स्नैक लेकर आता है लेकिन वो चैंग को तो खाने ही नहीं दे रहा था और यहाँ तक कि उन पर नजर रखने के लिए उनके पीछे जाकर बैठ जाता है क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और लड़के के साथ थोड़ी ना देख सकता था। और जैसे ही चैंग फिर बोलता है कि वो यहाँ से शिफ्ट करने के लिए सोच रहा है वुडी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। नैन्सी भी उसे बोलती है कि आपको एक बार जोई से बात कर लेनी चाहिए क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही कंसर्न लग रही थी। जहाँ चैंग कहता है कि जब तक वो पूरी तरह से मैच्योर और जिम्मेदार नहीं हो जाता वो चैंग से नहीं मिलेगा। जिसके जाने के बाद वुडी फिर नैन्सी को हक करते हुए कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग नैन्सी और वुडी साथ में काफी ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। ये क्यूट कपल बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा होता है। ऑफिस जाते टाइम दोनों एक दूसरे को हार्ट पास करते हैं जिसके बाद हम ऑफिस में देखते हैं कि चैंग की असिस्टेंट बनने के लिए वहाँ कोई और नहीं बल्कि जोई इंटरव्यू देने के लिए आई हुई होती है जिसका नैन्सी सेम वैसे ही इंटरव्यू ले रही होती है जैसा कि जोई ने स्टार्टिंग में नैन्सी का लिया था और जोई वैसे ही सारे आंसर दे रही होती है जैसे कि नैन्सी ने दिए थे। जिसके बाद फाइनली जोई सिलेक्ट हो जाती है और ये सरप्राइज वो जाके सीधा चैंग को देखते हैं जिसे देखकर तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि अब उसकी नई असिस्टेंट कोई और नहीं बल्कि उसका प्यार यानी जोई ही है। जिसके बाद चैंग जोई से ये कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि तुम्हें मेरे सपने पूरे करने की जरूरत नहीं है, तुम जो चाहती हो अपनी लाइफ में वो करो और मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम मेरी सेक्रेटरी हो न्यू तो इसलिए मैं तुम्हें फायर करता हूँ और अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जोई भी ये कहकर वहाँ से जाने लग जाती है कि मेरा हमेशा से यही सपना रहा है कि मैं अपने ड्रीम बॉय के सपने पूरे करूं और हमेशा उसका साथ दूं जो कि मैं ऑलरेडी कर रही हूं और इसी में मुझे खुशी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही नैन्सी घर पहुंचती है तो वो वुडी को जैंग की ड्रेस में देखती है जिससे कि वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। जहां वुडी उसे कहता है कि ये ड्रेस मुझे मॉम ने दी है, फटाक से तुम भी अपनी ये स्कूल ड्रेस पहन लो क्योंकि मैं डिसअपीयर होने से पहले तुम्हारा ये फायर फोबिया हमेशा के लिए ठीक करना चाहता हूँ। जिसके बाद वुडी सेम वैसे ही हरकतें करने लग जाता है जैसे कि जैंग नैन्सी के साथ में किया करता था। वो उसे वैसे ही छोड़ के भाग जाता है साइकिल से और उसके बाद स्कूल के रूम में जाकर वहाँ पर उसे अवॉइड करने लग जाता है और धीरे धीरे सब कुछ वैसे क्रिएट करने लग जाता है जैसे कि नैन्सी ऑलरेडी एक बार जैंग के साथ में फेस कर चुकी है। जिससे कि नैन्सी को भी जैंग के साथ में बिताए हुए सारे पल धीरे धीरे याद आने लग जाते हैं और वो बहुत ज्यादा रोती है और बोलती है कि मेरी वजह से ही तुम्हारी जान चली गई और अगर तुम मुझे उस दिन बचाने के लिए नहीं आए हुए होते तो आज तुम्हारी जगह मैं होती। नैन्सी को ऐसे फूट फूट कर रोता हुआ देख कर फिर वुडी उसके पास आकर उसे बोलता है कि तुम बहुत ही बड़ी वाली पागल हो, जरा खुद सोच कर देखो कि अगर जैंग तुमसे प्यार नहीं करता होता तो वो आखिरकार तुम्हारी जान बचाता ही क्यों। सच बात तो ये है कि वो भी तुम्हें बचपन से बहुत ही ज्यादा लाइक करता था लेकिन वो भी तुम्हारी तरह ही अपनी फीलिंग्स बताने में बहुत ज्यादा डरता था और ये सब कुछ सच है जो कि उसने मुझे मेरे ड्रीम में आकर बताया है
जिसके बाद फिर वुडी उसे बहुत ज्यादा समझाता है और ये भी बोलता है कि तुम्हारे लिए अपनी जान देना उसकी चॉइस है और तुम्हें यहाँ सब कुछ सच बताना मेरी चॉइस है। और साथ ही वो अपने हाथ में एक फायर फ्लाइज भी लेकर आता है, जिसे देखकर ना तो नैन्सी को फायर फोबिया हो रहा था और ना ही उसे कोई भी पैनिक अटैक आ रहा था। ये सब कुछ देखकर तो नैन्सी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फाइनली वुडी का मिशन भी अब कंप्लीट हो गया था जो कि उसे फेरी गॉड ने दिया था। जिसके बाद वो दोनों आपस में एक प्यारी सी किस करते हैं और उसके बाद मिशन कंप्लीट होते ही धीरे धीरे वुडी गायब होने लग जाता है और अपने नॉवेल वाली लाइफ में पहुंच जाता है, जहां फेरी गॉड उससे इस बैड एंडिंग के लिए माफी मांगने लग जाते हैं। जहां वुडी उनसे ये बोलते हुए रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि मैंने आज तक किसी के सामने कोई भीख नहीं मांगी है, लेकिन आपसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे हमेशा के लिए डिसअपीयर होने से पहले आप नैन्सी की लाइफ में ऐसा कोई इंसान ले आइए जो कि उसे डिजर्व करता हो और उसे बहुत ज्यादा प्यार करे, हमेशा उसका ख्याल रखे और उसे छोड़कर ना जाए, लेकिन इस बार उसे मेरी तरह किसी मिस्टर बैट से मत मिलवा दीजिएगा, वो एक अच्छा इंसान होना चाहिए। वुडी अपने आप को मिस्टर बैट कह रहा था ये सुनकर फिर फेरी गॉड उसे आज से 10 साल पहले की कहानी सुनाने लगे जहाँ से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था। फेरी गॉड पहले एक हैप्पी सोल हुआ करता था जो कि अपनी सुपर पावर का यूज कर रहा था, लेकिन उस टाइम एक बच्चे ने उसे देख लिया जिसका नाम जैंग था। जहाँ जैंग के ये पूछने पर कि आपने ये सब कुछ कैसे किया, फेरी गॉड उसे कहते हैं कि मैं एक अडल्ट हूं और मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। लेकिन जैंग भी बहुत ज्यादा शातिरता बोलता है कि मैं इतना ज्यादा बेवकूफ भी नहीं हूँ कि आप मुझे ऐसे ही उल्लू बना सको। और इसलिए झूठ बोलने के कारण फेरी गॉड ने फिर जैंग को एक सिक्का दिया और उसे बोला कि फेरी फाउंटेन में इसे डाल के तुम जो भी विश मांगोगे वो तुम्हारी पूरी हो जाएगी। फेरी गॉड तो यही सोच रहे थे कि शायद वो एक छोटे से खिलौने की ही मांग करने वाला है, लेकिन जैंग ने यहाँ पर ये विश की कि वो हमेशा अपनी दोस्त को प्रोटेक्ट करना चाहता है और उसके साथ रहना चाहता है। ये सुनकर तो फेरी गॉड भी बहुत प्रॉब्लम में पड़ गए, क्योंकि लाइफ का लेना देना उनके हाथ में नहीं था और जिंदगी का क्या भरोसा, आज है तो कल नहीं है। जिसके बाद फेरी गॉड ने ये सोचा कि जैंग अभी छोटा है और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा वो धीरे धीरे नैन्सी को भूल जाएगा जब वो बाकी और दूसरी लड़कियों से मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जैंग तो उसे नहीं भूला बल्कि उसके लिए उसने अपनी जान भी दे दी। वो तो चला गया लेकिन उसने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया। जिसके बाद मैंने बहुत सालों तक फेरी फाउंटेन पर बैठकर उसी लड़की का वेट किया कि वो कोई ना कोई तो विश जरूर मांगे और मैं भी उसे हैप्पी करने के लिए फिर उसकी विश को कंप्लीट कर दूं। लेकिन उसने बहुत सालों तक कोई विश ही नहीं मांगी और एट लास्ट जब उसने फाइनली अनफॉर्गेटेबल लव की विश की तो मुझे वो पूरा करना ही पड़ा। ये सब को सुनने के बाद तो वुडी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था, साथ ही वो ये भी पूछने लगा कि आपने इन सब के लिए मुझे ही क्यों चूज किया। जहाँ फेरी गॉड ने भी फिर उसे जैंग की नोटबुक दी जिसने कि उसने पहले ही वुडी का कैरेक्टर क्रिएट किया था और उसे बहुत सारी सुपर पावर्स दी थी ताकि वो हमेशा ही उसकी फ्रेंड नैन्सी की रक्षा करे और उस पर कोई भी आंच ना आने दे। जिसका साफ मतलब यही है कि वुडी नैन्सी की नावल का कोई कैरेक्टर नहीं है बल्कि उसे तो जैंग ने बनाया था। साथ ही फेरी गॉड फिर उसे ये भी बताते हैं कि यही कारण है कि उसके इस दुनिया से जाने के बाद उसके सारे इमोशंस एंड कैरेक्टर तुम्हारे अंदर आ गए। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने अपना लास्ट टेस्ट भी पूरा कर लिया। और ये सुनते ही वुडी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, बोलता है कि लेकिन आपने तो ये कहा था कि ये मेरा लास्ट मिशन है जिसे कि कंप्लीट करने के बाद मैं हमेशा के लिए डिसअपीयर हो जाऊंगा। जहाँ फेरी गॉड भी बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा, वुडी का कैरेक्टर अब हमेशा के लिए ही डिसअपीयर हो जाएगा। और उनके ये बोलते ही वुडी भी वहाँ से टेलीपोर्ट होकर सीधा रियल वर्ल्ड में नैन्सी के पास पहुँच जाता है और अब वो नॉवेल का कोई भी कैरेक्टर नहीं रहा और ना ही उसके पास कोई सुपर पावर्स रही, यानी कि अब वो एक नॉर्मल इंसान बन गया है जो कि अब इस दुनिया में नैन्सी के साथ रह सकता है। और ये देखकर तो वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी कि वुडी वापस से रियल वर्ल्ड में पहुंच जाएगा। जिसके बाद वो नैन्सी को जैंग की डायरी दिखाकर वो सारी कहानी सुना देता है जो कि उसने फेरी गॉड ने बताई थी और साथ ही उसे छेड़ते हुए ये भी बोलता है कि फेरी गॉड ने ये भी कहा है कि अगर तुमने मेरा ख्याल नहीं रखा और तुमने मुझे बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश की तो वो मुझे वापस बुला लेंगे। ये सुनते ही नैन्सी फिर उसे किस करने लग जाती है और दोनों बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ जोई चैंग की असिस्टेंट का सारा काम कर रही होती है, जहां पर चैंग के डैड उसे मिलने के लिए आते हैं, बोलते हैं कि तुमने ये कंपनी फिर से ज्वाइन क्यों कर ली और शायद तुम अपनी डील भूल गई हो। लेकिन जोई उनसे प्यार से बात करते हुए कहती है कि अंकल आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपनी डील बहुत ही अच्छे से याद है कि अगर मैंने चैंग के साथ में डेटिंग की तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को वापस ले लेंगे, लेकिन अब तो आप इस कंपनी के पार्टनर रहे ही नहीं है तो इसका तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। वहीं जैसे ही चैंग को ये पता चलता है कि जोई से मिलने के लिए उसके फादर वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वो
बहुत ही ज्यादा गुस्से में उसके रूम में पहुंचता है और अपने फादर से कहता है कि आप हमेशा ही मेरे प्यार को क्यों धमकाते रहते हैं। मैं जोई से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूं और इस बार मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जो बोलेंगे मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे मेरी जोई से अलग मत कीजिए। जहाँ डैड भी फिर मुस्कुराने लग जाते हैं और ये बोलकर चैंग से वहाँ पर जाने लग जाते हैं कि ये कैसा तरीका है अपने डैड से बात करने का, वेल तुम्हारे ऑफिस की चाय बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये सुनकर तो चैंग भी काफी शॉक हो जाता है। फिर फ्लैशबैक में हमें ये दिखाया जाता है कि डैड जोई से बोलते हैं कि फाइनली जो मैं चाहता था वो हो ही गया। मैं हमेशा से यही चाहता था कि मेरा बेटा चैंग अपनी सारी जिम्मेदारियों को समझे और साथ ही मैं ये भी देखना चाहता था कि वो अपने प्यार के लिए क्या कुछ कर सकता है। डैड जोई से सॉरी बोलते हुए कहते हैं कि मैं तो बस अपने बेटे को स्ट्रांग बनाना चाहता था, जो कि अब वो बन भी गया है। और ऐसे चैंग और जोई के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है और फाइनली उनकी पहली वाली किस हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मॉम को नैन्सी और वुडी सारी सच्चाई बता देते हैं, लेकिन मॉम को तो यकीन ही नहीं हो रहा था और इसलिए वो वुडी का कान पकड़कर जोर से खींचने लग जाती है, जिनसे फाइनली उनको यकीन हो जाता है कि हाँ, शायद अब वो इंसान बन चुका है। लेकिन स्टिल अभी भी उन्हें यही टेंशन थी कि नैन्सी और वुडी के बच्चों का रजिस्ट्रेशन आखिरकार वो कैसे करवाएंगे, क्योंकि वुडी के पास तो कोई आईडी ही नहीं था। लेकिन तभी हमारा हीरो फटाक से अपना आईडी निकाल कर देता है और कहता है कि मेरे पास अब इस दुनिया में रहने के सारे राइट्स हैं, जिससे कि मॉम और वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद उन दोनों ने अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवा लिया था और ये देखकर तो मॉम और भी ज्यादा खुश हो जाती है और उन्हें तरह तरह के गिफ्ट्स देने लग जाती है। जिसके बाद वो दोनों सीधा चैंग के पास जाकर उसे कहते हैं कि हम जल्द ही शादी करने वाले हैं, जिसका साफ मतलब यही है कि चैंग को अब उनका घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। लेकिन बुद्धू चैंग तो उनके इस इनडायरेक्ट घर से शिफ्ट होने वाली बात को समझ ही नहीं पाता और ये बोलकर वहाँ से जाने लग जाता है कि अगर तुम दोनों को अब कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं करनी तो मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। जिस पर वुडी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि इसे इतनी सिंपल सी बात समझ नहीं आ रही, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिरकार ये ऑथर कैसे बन गया। नेक्स्ट डे नैन्सी सीधा जोई को ही बुला लेती है ताकि वो उसके पागल बॉस को यहाँ से ले जाए। वो चैंग का सारा सामान पैक करने लग जाते हैं और वहाँ से जाते टाइम जोई फिर उन दोनों को वेडिंग के लिए कॉन्ग्रेचुलेट भी करती है। जैसे ही चैंग फिर अपने घर पहुँचता है वो तो देखकर काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि जोई ने तो उसका पुराना वाला घर खरीद कर ही उसे वापस दिया था एज अ गिफ्ट, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि चैंग जिस घर से इतना ज्यादा प्यार करता है वो उसे दूर रह सके। जिसके बाद वो दोनों साथ में बहुत ज्यादा मस्ती करने लग जाते हैं एंड फाइनली चैंग ने जोई को आखिरकार प्रपोज कर ही लिया। सीन शिफ्ट होता है और नैन्सी और वुडी की मैरिज डे का दिखाया जाता है। सब लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, साथ ही ऑफिस के लोगों को ये गेस करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता कि नेक्स्ट वेडिंग किसी और की नहीं बल्कि जोई और चैंग की होने वाली है। वहीं वुडी भी खड़ा होकर अपनी ब्राइड का वेट करने लग जाता है और नैन्सी जैसे जैसे धीरे धीरे उसके पास आ रही होती है, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, वो दोनों ही अपने सारे गुजारे हुए अच्छे और बुरे पलों को याद करने लग जाते हैं। साथ ही नैन्सी बहुत ज्यादा थैंक्स बोलती है उसको कि वो उसका अनफॉर्गेटेबल लव बन गया है। मॉम भी नैन्सी का हाथ वुडी के हाथ में देते हुए बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई और साथ ही ये भी बोलने लगे कि भले ही मैं इसकी बायोलॉजिकल मदर नहीं हूँ, लेकिन मैंने इसे बहुत ही ज्यादा प्यार किया है और इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरी इस मासूम और सिली सी बेटी का बहुत ध्यान रखो, इसे सारा प्यार दो और बहुत ही ज्यादा खुश रखो। जिस तरह से वुडी उससे अपने प्यार का इजहार करते हुए रो रहा होता है ना गाइस, लिटरली ये मोमेंट इतना ज्यादा इमोशनल था कि मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे। वुडी भी इतना ज्यादा इमोशनल हो गया था कि वो तो अपनी स्पीच ही भूल गया था और फिर वो फाइनली नैन्सी को बोलता है कि मैं आज के बाद तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू आने नहीं दूंगा और हमेशा ही तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे सिचुएशन कोई भी क्यों ना हो। जिसके बाद उनकी रिंग एक्सचेंज होती है और फाइनली उनकी मैरिज किस से ये वेडिंग कम्प्लीट हो जाती है। और जैसे ही बुकी टॉस करने की बारी आती है सारी लड़कियां जाकर पीछे खड़ी हो जाती हैं, लेकिन वो बुके तो एक लड़का पकड़ लेता है जो कि फाइनली एक लड़की को प्रपोज करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत टाइम से प्रपोज करना चाहता था लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी और आज फाइनली मैंने तुम्हें प्रपोज कर ही दिया। जहाँ फिर ये भी पता चलता है कि वो लड़की भी उससे बहुत प्यार करती थी, वो तो बस उसके प्रपोजल का वेट कर रही थी। नेक्स्ट डे दोनों सैंग और डैड की कब्र के पास जाते हैं, जहाँ वुडी उनसे कहता है कि मैं आपकी बेटी का पूरा पूरा ख्याल रखूंगा और उसे कभी भी कोई दुख तकलीफ नहीं होने दूंगा। साथ ही जैंग से भी बोलता है कि मुझे तुम्हारी सारी बातें याद हैं और मैं तुम्हारे प्यार को हमेशा प्रोटेक्ट कर रखूंगा। सीन शिफ्ट होता है और नैन्सी शॉप पर जाती है, देखती है कि उसकी लिखी हुई नॉवल यानी मिस्टर बैट तो सारी की सारी एक घंटे के अंदर ही सेल हो गई है और अब कोई भी नॉवल नहीं बची है। नैन्सी और वुडी भी अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे से जी रहे होते हैं।
सीन शिफ्ट होता है और फिर कुछ सालों बाद दिखाया जाता है कि अब इनकी दो प्यारी प्यारी बेटियां होती हैं, जिन्हें वुडी और चैंग साथ में संभाल रहे थे, क्योंकि जोई और नैंसिंग बाहर शॉपिंग के लिए जो गए हुए थे। जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं, देखते हैं कि इन्होंने तो पूरे घर का कबाड़ा ही मचा रखा है। और तो और हमारे बॉस तो इतनी ज्यादा जंट है कि जैसे ही उन्हें ये पता चला कि जोई और नैंसिंग बस घर आने ही वाले हैं, उसने अपनी जगह बुडी के साथ में एक्सचेंज कर ली और उनको बोला कि ये सारे गन बुडी ने मिलकर फैलाई इन दोनों बच्चों के साथ में। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो खाना बना रहा था। जिसके बाद ये चारों अपने बच्चों के साथ में मिलकर वहाँ पे बैठ के साथ में खाना खाते हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। नेक्स्ट डे नैंसी की नॉवल का साइनिंग इवेंट होता है, जिसमें वो चैंग को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने उसकी लिटरली बहुत ज्यादा हेल्प जो की थी। वहीं वुडी भी ये सब कुछ देख कर बहुत ही ज्यादा जल भूल रहा था कि लोग आकर नैंसिंग से हैंडशेक कर रहे हैं और इसलिए वो सीधा जाता है और सबके सामने ही नैंसिंग को किस कर लेता है। वहीं फिर हमें ये भी पता चलता है कि वुडी अब एक यूनिवर्सिटी का फेमस प्रोफेसर बन चुका है। जिसके बाद वापस जाते हुए नैंसिंग की बेटी शिनचिंग उनसे पूछती है कि मॉम डैड क्या यहाँ पर सच में फेरी गॉड रहते हैं और सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। जहाँ नैंसिंग भी शिनचिंग को समझाते हुए बोलती है, मैं ये तो नहीं जानती कि ये कितना सच है कितना झूठ, लेकिन मैं तुम्हारे डैड से यही मिली थी और यहाँ से ही हमारी बहुत प्यारी प्यारी यादें स्टार्ट हुई थी। और इसी के साथ हमारी इस नॉवल की स्टोरी का भी दी एंड हो जाता है, जो कि नैंसिंग ने लिखा था। फिर मीडिया के ये पूछने पर कि आपने ऐसा फैंटेसी नॉवल क्यों लिखा, क्या सच में ये सब कुछ हो सकता है, नैंसी कहती है कि मैं उन लोगों को उम्मीद दिलाना चाहती हूँ जिन्होंने अपने प्यार को खो दिया है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो लोग अब हमारी लाइफ में नहीं रहे हमने उन्हें हमेशा के लिए खो दिया हो। और नैंसी से ये पूछने पर कि तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई वुडी है, वो कहती है कि भले ही मेरे पास कोई वुडी नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरे बचपन का दोस्त, मेरा प्यार और मेरा हस्बैंड योंग है, जो कि एक यूनिवर्सिटी में जाना माना प्रोफेसर है, जो कि गाइस कोई और नहीं बल्कि वुडी ही होता है। और वो वहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा हैंडसम और क्यूट लगता है, लोग उसे काफी पसंद करते हैं। साथ ही योंग वहाँ पर आए हुए सभी लोगों को थैंक्स बोलता है कि उन्होंने उसकी वाइफ का सेशन अटेंड किया और सबके सामने अपनी वाइफ को किस कर लेता है। सो गाइस, यहीं पर इस प्यारी सी लव स्टोरी का दी एंड हो जाता है। तो अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस सीरीज का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया और आपकी लाइफ में क्या कभी ऐसी चीजें हुई है, ये मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिल सके। और अगर वीडियो पसंद भी आई है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना।